आज हम बनाने जा रहे हैं वेज ग्रिल सैंडविच, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, आप जब चाहे बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वाद की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 उबले आलू, 1 बड़ा कटा प्याज, 1 बड़ा कटा लाल टोमेटो और कटी हुई शिमला मिर्च और ब्रेड। अब सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। अब हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इन सब्जियों को थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। मैंने ये पैन पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं उसमें जीरा डालूंगी। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमें प्याज ज्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रिल करना है। अब हम उसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम उसमें टोमेटो डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। हमें इन सब्जियों को बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और इसको मिलाकर गैस बंद करेंगे। देखिए, अब हमारी सैंडविच की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम सबसे पहले ब्रेड स्लाइस पे हरी चटनी लगाएंगे। अब हम इस पे यह स्टफिंग लगाएंगे। अब इस ब्रेड पर हम टोमेटो केचप लगाएंगे। और इसे ऐसे ही सभी बना लेंगे। अब ऐसे ही हम सभी सैंडविच तैयार कर लेंगे। पहले मैंने ये तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इस पर घी लगाकर सैंडविच ऐसे सेकेंगे। अगर आप मक्खन लगाना चाहो तो मक्खन भी लगा सकते हो, जो भी अवेलेबल हो वो लगा दीजिए। अब हम इसे ऊपर से भी घी लगाएंगे। अब हम इन सैंडविच को पलट लेंगे। अब हमारे वेज ग्रिल सैंडविच बन चुके हैं। अब हम इसको ऐसे काट के गैस बंद कर देंगे। तो देखा आपने, वेज ग्रिल सैंडविच बनाना कितना आसान है। आप इसे जब चाहे बनाकर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।